मैं प्रसन्ना खाखा होली क्रॉस मेंसिंगन की सदस्य हूँ। मेरे फेवरेट सेंट हैं असीसी के संत फ्रांसिस। फ्रांसिस का जन्म इटली के असीसी नामक नगर में सन 1182 में हुआ था। उनके पिता पीटर बर्नार्ड कपड़े के धनी व्यापारी थे। फ्रांसिस का एक वीर योद्धा बनना उनका सपना था। इस उद्देश्य से वे अपने साथियों के साथ क्रूस युद्ध में भाग लेने गए, किंतु उन्होंने रास्ते में ही बीमार हो गए और एक दिन रात को उन्होंने एक आवाज़ सुनी, फ्रांसिस तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, स्वामी की या दास की? फ्रांसिस ने कहा, स्वामी की। तब उन्होंने समझ गए कि यह आवाज़ स्वर्ग से आई है। तब फ्रांसिस ने अपना अधिकांश समय प्रार्थना में बिताने लगे और एक सान दामियानो नामक गिरजाघर था जहां फ्रांसिस लंबे समय तक अपना प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन क्रूस जीवित हो गई और कहने लगी, फ्रांसिस मेरे गिरजे की मरम्मत करो। तब फ्रांसिस ने अपने पिता के अनुमति के बिना उनका दुकान से काफ़ी पैसा लाकर पुरोहित को दिया ताकि गिरजे की मरम्मत हो सके, पर उनके पिता ने क्रोधित होकर धर्माध्यक्ष के पास शिकायत किया। तब फ्रांसिस ने उसी वक्त अपना सारा धन दौलत और अपना कपड़ा भी उतार कर उन्हें दे दिया। फ्रांसिस ने ना केवल मानव मात्र से बल्कि पशु पक्षी और प्रकृति में उपस्थित सभी जीव जंतुओं से प्यार करते थे और संपूर्ण प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करते थे। अतः अंत में मात्र 44 वर्ष की अवस्था में 4 अक्टूबर सन 1226 में फ्रांसिस की मृत्यु हो गई। अतः 1228 में संत पिता ग्रेगरी ने अपना कलिसिया में फ्रांसिस को संत घोषित किया। अतः मुझे यह शिक्षा मिलती है कि मैं ख्रीस्त के सुसमाचार को अपने हृदय में गहराइयों से अपने आचरण करूं और अपने जीवन में दरिद्रता का जीवन बिताऊं। और मैं यह प्रार्थना करती हूं कि यह सृष्टि के हर एक मानव जाति अपने ईश्वर के बनाए हुए चीज़ों का आदर करें। धन्यवाद।